के संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए शहर में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। मेडिटेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में रविवार को 12 से 18 वर्ग आयु के 40 वॉलंटियर्स को पहला डोज दिया गया। 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों को सर्वाधिक खतरा होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए 2 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी DGCI ने दी है। देश भर के 4 अस्पतालों को क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत करने की अनुमति दी गई है। इसमें नागपुर स्थित मेडिटेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भी शामिल है। रविवार को यह 12 से 18 साल आयु वर्ग के वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। 2 से 18 आयु वर्ग के कुल 51 वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 40 का चयन किया गया। 11 में एंटीबॉडी पॉजिटिव पाए जाने से उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा सकी। वैक्सीन देने के बाद इन वॉलंटियर्स को कुछ समय के लिए डॉक्टरों ने अपनी निगरानी में रखा था। दूसरा डोज लेने के लिए इन्हें 28 दिन बाद बुलाया गया है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन बच्चों को 3 ग्रुप में रखा गया है। पहला ग्रुप 2 से 6 आयु वर्ग का, दूसरा 6 से 12 आयु वर्ग का और तीसरा 12 से 18 आयु वर्ग का है। सुप्रभात तुम्हा सगळ्यांना। आजचा दिवस एकदम खूपच छान दिवस आलेला आहे की आज आपण पूर्ण आपल्या देशाच्या फ्युचरला सिक्युअर करतो। देशाचं फ्युचर म्हणजे आपले बाळ, आपलं पीडियाट्रिक पॉप्युलेशन, आणि त्यांना सिक्युअर करण्याच्या दृष्टीने, त्यांचं फ्युचर सिक्युअर करण्याच्या दृष्टीने आज आपण इथे मेडिटेना इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस नागपूरमध्ये पहिलं पीडियाट्रिक एज ग्रुपचं वैक्सीनेशन चालू करतो आहे। आणि या दृष्टीने आपलं हा ट्रायल समजा सक्सेसफुल झाला, जसं की होण्याची शक्यता खूप जास्ती आहे, कारण की आपण आपल्याच देशामध्ये तयार केलेलं कोवॅक्सिन ट्रायल जे ऑलरेडी ॲडल्ट पॉप्युलेशनमध्ये यूज होत आहे आणि त्याचे खूप चांगले सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दिसलेले आहे आणि खूप चांगली इफेक्टिव्हिटी दिसली आहे। तर त्याच अनुषंगाने आता आपण पीडियाट्रिक पॉप्युलेशनमध्ये आणि आज आपण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये 12 ते 18 वयोगटातील बाळांमध्ये हा प्रयोग करणार आहे। कोवॅक्सिन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक कंपनीने DCGI से ट्रायल की अनुमती मांगी। इसके बाद देश भर में 4 सेंटर्स तय किए गए। इसमें दिल्ली और पटना की एम्स, हैदराबाद का नीलोफर अस्पताल और नागपुर के मेडिटेना का समावेश है। 15 दिन पहले क्लिनिकल ट्रायल के लिए पत्र मिला। इसके तुरंत बाद इंस्टीट्यूशन एथिकल कमेटी की ऑनलाइन बैठक हुई। कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्लिनिकल ट्रायल प्रारंभ किया गया। रविवार को 12 से 18 आयु वर्ग के 51 वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 40 का चयन कर कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। अब उन्हें 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। कंपनी द्वारा 5 से 7 दिनों में सूचना मिलते ही अगला ट्रायल किया जाएगा। ये मुझे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस एज ग्रुप के लिए ट्रायल चालू करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारे स्कूल्स भी चालू होने चाहिए और वो सब, तो इसी वजह से अब ये मेरा एक ऑनर है कि मैं इस ट्रायल का एक पार्ट हूँ। हाँ, मन में डर तो सबके ही रहता है कि कोरोना हो सकता है, पर जब से ये वापस स्पाइक आया केसेस में, हम लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया घर में, जिससे हमें कोविड नहीं हुआ। इसी वजह से आज जैसे ही मौका मिला इस ड्राइव में हिस्सा लेने का, मैंने ले लिया। 28 दिन बाद जब वॉलंटियर्स दूसरा डोज लेने आएंगे, उस समय जांच के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। फिलहाल अगले 5 से 7 दिन तक यह ट्रायल नहीं होगा। कंपनी से अगली सूचना मिलने पर फिर से ट्रायल शुरू किया जाएगा। देश के 4 अस्पतालों में 525 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। 208 दिन तक यह ट्रायल चलेगा। इसमें नागपुर से 150 से अधिक का लक्ष्य है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए 150 से अधिक वॉलंटियर्स ने तैयारी दिखाई है। माता पिता से अनुमति लेने के बाद ही उन्हें वॉलंटियर बनाया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।